नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू। मैं बताने जा रही हूँ सिंदूर के जादुई प्रभाव से मिला था हनुमान जी को अमर तत्व, रातों रात बदली अपनी किस्मत। रामायण की एक कथा के अनुसार एक बार जगत माता जानकी सीता जी अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी। उसी समय हनुमान जी आ गए और सीता जी को सिंदूर लगाते देख कर बोले, माता जी, यह लाल द्रव जो आप मस्तक पर लगा रही हैं ये क्या है और इसके लगाने से क्या होता है? श्री हनुमान जी का प्रश्न सुनकर सीता जी क्षण भर चुप रहीं और फिर बोली, यह सिंदूर है, इसके लगाने से प्रभु दीर्घायु होते हैं और मुझसे सदैव प्रसन्न रहते हैं। चुटकी भर सिंदूर लगाने से प्रभु श्री रामचंद्र जी की दीर्घायु और प्रसन्नता की बात माता जानकी के मुख से सुनकर श्री हनुमान जी ने विचार किया कि जब थोड़ा सा सिंदूर लगाने से प्रभु को लंबी उम्र प्राप्त होती है तो क्यों ना मैं अपने संपूर्ण शरीर में सिंदूर पोत कर प्रभु को अजर अमर कर दूं। और उन्होंने वैसा ही किया। संपूर्ण तन में सिंदूर पोत कर वह दरबार में पहुंचे और श्री राम जी से कहने लगे, भगवान प्रसन्न होइए। हनुमान जी का सिंदूर पोता शरीर देख कर श्री राम जी हंसने लगे और हंसते हंसते बोले, बस कैसी दशा बनाकर आए हो? तब हनुमान जी ने सारा वृत्तांत बताया। सारी बात सुनकर श्री राम जी अति प्रसन्न हुए, बोले, वस्य तुम जैसा मेरा भक्त अन्य कोई नहीं है। उन्होंने हनुमान जी को अमर तत्व प्रदान किया। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। सिंदूर को सुख सौभाग्य और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। खास तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए तो इसके जादुई प्रभाव मिल सकते हैं। सिंदूर से केवल पति की उम्र ही लंबी नहीं होती बल्कि रातों रात बदल सकती है किस्मत। घर की मिट्टी में भी बनने लगती है सोना। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित करें और अपनी मनोकामना कहें। जो भी व्यक्ति हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करता है उससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी इच्छाएँ पूरी करते हैं। मंगलवार को हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लेकर उससे सफ़ेद कागज पर स्वास्तिक बनाएं। उस कागज को मोड़े नहीं, सदा इस कागज को अपने पास रखें। प्रतिदिन इस कागज को प्रणाम करें। नौकरी से संबंधित कोई भी समस्याओं का हल होगा तुरंत। घर के मुख्य द्वार पर सरसों का तेल और सिंदूर का टीका लगाने से कोई भी बुरी शक्ति घर में प्रवेश नहीं कर सकती। वास्तु दोष समाप्त होते हैं। लक्ष्मी अपना स्थायी बसेरा बना लेती और शनि नजर दोष से रक्षा करते हैं। शनि के दोषों से छुटकारा पाने के लिए शनिवार वाले दिन हनुमान जी को चोला अर्पित करें। हनुमान जी दाएं पैर से टीका लेकर अपने माथे पर लगाएं। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।